वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमेडी वर्ल्ड एमआर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, बाबू क्या कर रहे हैं आप? अभी यूट्यूब का काम चल रहा है इनका, और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा आर्यन का घर, क्योंकि आंटी जो है बहुत दिन से हम लोग को बुला रहे थे, तो बोले कि जल्दी से आ जाओ, तुम लोगों के लिए कुछ बनाए हैं। तो हम और बाबू हो गए तैयार, हम तैयार हो गए बिना मेकअप का। मेरा फेस कैसा लग रहा है कमेंट से ये बताना, और मेरा नेल्स इग्नोर करना क्योंकि ये उल्टिया लग रहा है। लेकिन बिना मेकअप में लड़कियां ज्यादा अच्छी लगती है, एकदम सिंपल। हम सिंपल लग रहा है लेकिन हम अच्छे लग रहा है। बस एक कान का पहने हैं, मंगलसूत्र पहने हैं, और मेरा गाल को भी इग्नोर करना है ना। तो हम लोग, आप कब निकलेंगे? हमको ये इतना बदमाश है ना, हमको अभी काम करने बैठे हैं। देखो हमको कब से बोल के रखेगा तुम रेडी हो, और हम दो घंटे पहले से रेडी हो गए। रेडी होना बोलते हैं क्या? तो क्या सूट पहन ली नॉर्मल सा, और जींस पहन ली, रात में ऐसे कौन हमको देखेगा। और बाल अच्छे से बांध लिए, सिंदूर लगा लिए, इयररिंग पहन लिए, छोटू सा मंगलसूत्र। ये मंगलसूत्र मेरा फेवरेट है, और बाबू को हम बोले हैं करवा चौथ के दिन कि हमको ऐसे गोल्ड का गिफ्ट करना। तो बाबू उनको बोले हैं कि ठीक है गिफ्ट करेंगे, पर सबसे पहले फ्लैट ले ले, फ्लैट का काम हो जाएगा ना, तब हम बोले ठीक है, क्योंकि हम एक अच्छा वाइफ बनना चाहते हैं, हस्बैंड का हर बात मान लेते। हम नहीं मानते बोले तब आप भी जीत करेंगे, ये जाके ऑर्डर दे के चले आएंगे। तुम्हारी मर्जी है, क्या कोई दिक्कत नहीं, फ्लैट मिले तो तुम समझना ना। इसलिए तो हम बोले कि हम गुड गर्ल, हम मेरा हस्बैंड का हर बात मानते। तो चलो हम तो रेडी हो गए हैं, और बाबू रेडी हो जाएंगे, फिर हम और बाबू दोनों जाएंगे मायरा को, तब तक मम्मी देखेगी। तो चलो, तो बाबू बाहर गाड़ी निकाल दिए, पापा आ रहे हैं, हम आते हैं। हाँ पापा को झूठ बोलना पड़ता है, नहीं तो पापा भी चिल्लाएंगे। पापा पूछ रहे कि मॉल जा रहे हैं अभी, है ना? हमने हाँ मॉल जा रहे तो बाबू अपना पर्स और फोन दोनों ही घर पे छोड़ के आए हैं, अभी लेने गए हैं। हमको बोले थे जाने के, हमने रूम बंद कर दिया, हमको रूम खोलने का मन नहीं करा, पता नहीं दो दिन से ज्यादा लेजी बना रहा है। तो हम बोले कि बाबू आप प्लीज चल जाओ, अभी हम आए हैं। तो बाबू फिर से गए हैं लेने फोन और वॉलेट, हम ले लिए। मेरा पर्स, मेरे पर्स में एक भी 40 कौड़ी नहीं है, क्योंकि मेरे एटीएम कार्ड मेरी बाबू है ना, बाबू रहे तो मेरे पास पैसा का क्या जरूरत है। उनके पास पैसा नहीं भी रहे तो भी चलेगा, बस बाबू मेरे साथ होना चाहिए ना, चाहे मेरे पास नहीं रहे चाहे बाबू के पास नहीं रहे, सेम बात होता है। तो चलो अभी निकलेंगे, मायरा को रख के आए हैं, बोले हैं 9 बजे तक घर पे एनी हाउ घुसना है, ठीक है? तो चलते हैं। वैसे रात में हमको गाड़ी में कहीं पे जाना हमको बहुत अच्छा लगता है, वैसे घूमना तो मेरा फेवरेट है, और वो भी रात में बाबा के साथ कार में, कोई ना हो हम दोनों मजा ही आ जाएगा, मतलब कोई बात ही नहीं है ये सब में। तो चलो अभी बाबू आएंगे, और पापा आते टाइम पूछे थे कि मॉल जा रहे हो ना, हम बोले कि हाँ, क्योंकि पापा एकदम, मतलब पापा चाहते हैं ना रात में हम लोग कहीं नहीं जाए, एक पापा के मन में डर भर रहता है, और हमको अगर यहाँ पे सबसे ज्यादा कोई मानते ना वो है पापा। तो अब अगर सुनेंगे बहुत दूर कहीं जा रहे इतना अंधेरा में, पूरा पापा चिल्लाएंगे कि मना किए थे तुमको सुबह जाना था, सुबह क्यों नहीं है, अभी क्यों जा रहे हो। तो पापा को झूठ बोलना पड़ा इसके कारण। और मायरा को पापा इस टाइम पापा देखेंगे, भारती एक क्योंकि बाबू आए वो लोग देखेंगे मायरा को, तो हम लोग जा रहे। मम्मी तो पूजा के आप लोग को बोले थे, तो चलो घूम के आते हैं, जो भी होगा रास्ते में हम आप लोगों को दिखाएंगे, कुछ भी करेंगे वहां पे जाकर, क्या करेंगे, बहुत मस्ती करने वाले हैं, सब दिखाएंगे। लेकिन आप लोगों को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है गाइस, और अच्छा अच्छा वीडियो देखने के लिए, है ना? अच्छा व्लॉग देखना चाहते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, है ना? तो चलो मिला गाड़ी चाबी इसी में ना? हाँ पर्स और फोन, अभी यहाँ पे गाड़ी का चाबी था, इसमें हो जाएगा। अरे हम डर गए, अब भी जा रहे हैं हम डर गए। चार्जर पीछे होगा, हम तीनों जा रहे हैं। चार्जर तो यहीं था। अरे चार्जर और एक फर्स्ट एड जो बॉक्स है ना वो घर पे अंदर छूट गया। चार्जर आर्यन के पास नहीं होगा। बाबू एक काम करेंगे, हम लोग जब आएंगे ना तब वो जो फर्स्ट एड बॉक्स है वो भी अंदर ले लेंगे, और चार्जर वाला जो पी है ना वो भी दे देंगे ना, ठीक है? अब सीरियस क्यों लग रहा है इतना? सीरियस नहीं लग रहा। तो अभी ये एकदम गाना चलाएंगे और एकदम लॉन्ग ड्राइव, है ना? मूड फ्रेश हो जाएगा अभी, ऐसे जब नहा लियो ना तो आपको अच्छा फ्रेश फ्रेश लग रहा होगा ना, हम सुबह ही नहाए हैं। चलो बाबा बैठे हैं क्या? हीरो हम लोग का वेट करते हुए, चाची है क्या ये?
चाची है, पकड़ो। क्या तबीयत खराब है क्या? एकदम पतली हो गए लग रहा है, बहुत पतली लग रहा है। पतली होगी लेकिन तो खाना पीना नहीं खाते है क्या? बेटा आया है एकदम चाची के मुंह पे, कितना हंसी रही। आया आज सुबह, हम लोग इनको रहा नहीं जाता और चलो घूम के आते हैं। आ गया हम लोग सामने। कब जाएगा तुम दोनों भी आवा ना करेगा वो तो अब ये कर लेगा, उसके पास है ना। नहीं पहले आर्यन फिर भाई। हाँ मेरे तरफ से हाँ कर लो भाई। आपके चाहते पहले छोटी वाली पतू लाने की पहले बड़ा वाला? मेरे गांव में पहले बड़ी वाली मतलब आर्यन का नंबर पहले। चला जाए अंदर सर एकदम। और बहन का है? बहन घर में, इसकी बहन निकलती नहीं है। अपने घर मतलब क्या बोलते उसको ना, अपना फादर जो होता है ना, मतलब अपना नैहर मायके। मेरा क्या लगेगा? अरे उसका तो सर्दी होती पूरा बुखार। और छठ पूजा भी स्टार्ट होने वाला, अभी टाइम है 20 दिन, तो उससे पहले एक बार चिकन खा लेते हैं। तो आंटी बहुत अच्छा चिकन बनाती है और आज लास्ट है, उसके बाद आंटी भी छठ करने वाली है। आर्यन भी आज लास्ट खा लिया। हम तो बोले बहुत टेस्टी बना, बहुत टेस्टी। मेरा तो फेवरेट आम सुनेंगे, चाची बनाएगी मीट मुर्गा, दौड़ के आ जाएंगे। और मैं इतना था पैन बहुत टाइट है इसीलिए प्रॉब्लम। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। तो जो 40 मिनट ट्रैवल करके सिर्फ चिकन खाने आए। और आज तो बिल्कुल तीखा नहीं बना। अच्छा है ना मम्मी, तो तीखा बना, बहुत तीखा कर दी थी उस टाइम, पता पूजा के टाइम। हाँ जूस कर दिया ये मैं पापा मांगा कि पैसा ना कोई अभी है। और कहा अभी वो अभी है कि होटी जान तो बचपन की बात चल रहा है। तो आर्यन का गर्लफ्रेंड था बचपन में, उसका नाम था पर्वतिया। गर्लफ्रेंड नहीं था, नहीं झूठ बोला, गर्लफ्रेंड नहीं था, बच्चा था तो खेलता था शादी। बच्चा बचपन में क्या गर्लफ्रेंड क्या बॉयफ्रेंड, बच्चा में सब दोस्त छोटा छोटा। तो आंटी लोग ने उनका साथ शायद शादी करवा दिया था, जो भोजपुरी फिल्म में होता है। हाँ, जो बच्चा में नहीं होता है कि बोलते हैं बचपन है तुम्हारा, बेटी के साथ मेरा बेटा का शादी हो गया, वैसे ही करवा दी थी शादी। तो ये तो बच्चा था तो ये ना कि रोता था कि हम जब करवो पर्वतिया से शादी करवो, बिना तो ना करवो। बहुत फनी स्टोरी है, बहुत फनी है। मत सुने मेरे घर वाले कुछ भी नहीं, आलू लड़की का शादी हो गया। हाँ। दो तीन को बाल उतरू है। मतलब बच्चा जा क्या होगा, तुम किससे शादी करेगा? हमको पता भी नहीं है पर्वतिया कैसी हो। पर्वतिया कैसी हो? अरे बहुत बच्चा थे हम, लगभग 4-5 कितना मम्मी? कोई बात नहीं, बहुत बड़ा बड़ा बाल था उस टाइम, पता झूठा है एकदम। इधर जुट्टी बांध देते थे मम्मी, जाओ एकदम तेल लगा के मम्मी के लिए हीरो ही है।
मम्मी के लिए। अरे तो ये सब वीडियो बनो तो हीरो ना का का बचाव करो गांव का जाप करो तो ये गेल ना हीरो ने मम्मी को तो पूछने मतलब हीरो गांव का हीरो गांव में तुम तुम्हारे ज्यादा फॉलोअर्स नहीं तो गांव का हीरो तुम ही हो गांव में किसका और आप पूरा जिला में भैया जिला में आप ये डिस्ट्रिक्ट में पेड़ में जाना नहीं है जाके अपने से हम ले हमको तो नहीं है भैया कोई ना रहना जा रहे फिर आएंगे मारा को लेकिन चाची जब भी आते मारा के बारे में बोलते हैं लेकिन बड़ी सोच लगा हम चाची को बोले जब हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तब चाची को अच्छे से घुमा देंगे ना वो जब वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो चाची को अच्छे से घुमा देंगे चाची पढ़ना छोड़ के कहीं पे भी नहीं गए नहीं 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 हम बोले ना इसका तो भरोसा नहीं करते हम ही आके लेके जाएंगे आपको है ना हम आके लेके जाएंगे जब कोलकाता में शिफ्ट हो जाएंगे यही तो हम बता रहे हैं अगला मार्च तक दे देंगे जनवरी फरवरी जनवरी में भी दे सकता है फरवरी में भी दे सकता है मार्च में भी दे सकता है ठीक है हाँ। तो मार्च में अगर देगा तो और दो महीना मतलब लेट होगा क्योंकि घर का सब सामान लाना पड़ेगा उसके बाद शिफ्ट हो जाएंगे फिर आपको ले की काली मस्जिद ऐसी है ना तराराम है की कलकत्ता ना काली घाट काली घाट काली मस्जिद तो नदी का पूरा वहाँ पे लेके जाएंगे है ना चाची को काली घाट घूमना है जाएंगे वहाँ पे ले जाएंगे काली मंदिर है ना चलो तब उसके जब जाएंगे तब आप मायरा को अच्छे से एक महीना तक समय मतलब टाइम दे पाएंगे चाची वहाँ मायरा हम खेलेंगे पूरा पूरा चाची को मन है पूरा मायरा को लेके खेलने का इसीलिए चाची ज्यादा ही रहता है तो तब उस टाइम पूरा एकदम मायरा को घर में लेके आप खेलिएगा घुमाएंगे आप बहुत अच्छा मम्मी मेरे साथ बहुत अच्छा खेलती है बहुत मानते हैं खेला न पूरा एकदम किसी के भी गोदी में रहेगा ना तो इसको अगर देख लेगी तो इसी के गोदी में आ सरका पर देखा एकदम पूरा एकदम हाथा पकड़ ले जा है एकदम तो गाइस अभी हमको जाना पड़ेगा और बहुत लेट हो गया है मायरा को खाना भी जा रहे तो मिलते हैं घर पे और गाइस ब्लॉग को भी यही पे एंड करते हैं आप लोगों का गोल लगने से ही तो आप लोग आशीर्वाद देते हो उसी लिए तो हम आशीर्वाद देते पूरा तो आइए जो हमें लगा है ना तीनों पर हमें ध्यान रहा।